Hey everyone, welcome to my channel Be Learner, and today we are here to discuss a very short and sweet topic, that is SHG. SHG का full form self help group होता है. जैसे कि word हमने यहाँ पे group देखा, तो हम समझ गए कि ये एक तरह का group form क्या होता है, जिसमें कुछ members होते होंगे. Now the question is how many members are there in SHG? So the answer is 15 to 20 members हुआ करते हैं इस तरह के group में. अब जो ये ग्रुप होता है इसमें किस तरह के लोग होते हैं, तो जनरली जो लोग होते हैं वो पुअर पीपल होते हैं रूरल एरियाज के, और बेसिकली जो मेजॉरिटी होती है कैटेगरी की तो वो वुमेन होती हैं. अब ऐसे ग्रुप को फॉर्म करने का क्या रीज़न है, तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल. वो चाहते हैं कि अपने आप को वो मनी लेंडर के इफेक्ट से, इम्पैक्ट से कह सकते हैं, उनका जो अलग अलग तरह का तरीका है एक्सप्लॉयट करने का, वो उससे खुद को बचा सके. तो इसलिए वो खुद ही एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसमें वो अपने रोज़ की जो सेविंग होती है, या कह सकते हैं वंस इन अ मंथ की जो सेविंग होती है, वो उसे आते हैं और ग्रुप में डिपॉजिट करते हैं. और वो अमाउंट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि दैट यू हैव टू सबमिट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ओनली. इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्सन. वो मेंबर चाहे जितना भी दे सकता है, मे बी अगर वो 25 रुपीज़ भी दे, मे बी वो 100 भी दे सके, मे बी वो उससे ज़्यादा भी दे सके, तो दैट इज़ अप टू द मेंबर. ओके, अब इस पैसे को जो डिपॉजिट किया गया है ग्रुप में, उसे मेंबर्स बहुत तरह से यूज़ भी कर सकते हैं. अगर उन्हीं ग्रुप में से किसी मेंबर को अगर लोन चाहिए, छोटा मोटा लोन जिसे कहते हैं, जैसे कोई ज़मीन गिरवी रखी हुई हो उसे रिलीज़ कराना है, अगर किसी तरह का एसेट परचेज करना है, तो वो ईजिली वहाँ से लोन को अवेल कर सकते हैं. अगर जो ग्रुप है अगर वो रेगुलरली सेविंग कर रही है, मीन्स कॉन्टिन्यूसली सेविंग इन अ प्रॉपर मैनर, तो इससे क्या होता है, उनका पॉजिटिव इमेज क्रिएट होता है बैंक के सामने, और बैंक जो होती है वो खुशी खुशी उन्हें लोन देने के लिए रेडी हो जाती है. और आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि बैंक उनसे कोलेट्रल अगर उनके पास नहीं होता है तो भी उन्हें लोन देने के लिए बैंक रेडी हो जाता है. नाउ विल सी दैट ज्यादातर डिसीजन जो इस ग्रुप का होता है वो कौन लेता है, बैंक लेगी? नो. अब ये पैसा जो डिपॉजिट हुआ है इसके मेन ओनर कौन है, जो मेंबर है, उन्होंने अपनी अर्निंग को क्या किया है, सेव करके रखा है. तो क्या लगता है आपको, डिपॉजिट जो किया गया है उससे रिगार्डिंग अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो वो कौन लेगा? Definitely, the member of the group will only take the major decisions regarding the group. Like, अगर किसी ने लोन लिया है तो कितना अमाउंट का वो लोन देंगे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अब वो रीपे कैसे करेगा वो मेंबर जिसने भी लोन लिया है. जनरली एक बात और भी ध्यान में रखना होता है कि ये जो SHG वाले लोग होते हैं या ग्रुप कहते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो काफ़ी लोअर होता है किससे, जो भी मनी लेंडर चार्ज करता है. सपोज अगर किसी ने लोन को रीपे नहीं किया तो क्या होगा, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है और सारे मेंबर्स जो होते हैं ग्रुप के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोन को रीपे करने के लिए. अब इसी खास कह सकते हैं फीचर्स की वजह से बैंक जो होते हैं उन्हें खुशी खुशी लोन देने के लिए अग्री हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा लोन नहीं देता है, क्लियर नहीं करता है, तो बैंक के बाकी मेंबर से वो उस लोन को क्लियर करवा सकता है, और वो बैंक इजीली लोन देता है बिना कोलेट्रल के भी. अगर उनके पास कोई कोलेट्रल भी नहीं होता है, दे कैन अवेल द लोन वेरी इजीली. अब हम देखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल हेल्प, ये तो फाइनेंशियल हेल्प हो गया ना, जो वो वुमेन को प्रोवाइड करता था या कोई भी मेंबर हो उसे प्रोवाइड करता था. अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल हेल्प वो एक तरह का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है. किस लिए प्लेटफॉर्म देता है, तो कुछ सोशल इश्यूज होते हैं जैसे हेल्थ से रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, या फिर किसी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके रिगार्डिंग अगर कोई सोशल इश्यूज चल रहा है, तो वहाँ उस मीटिंग के दौरान में डिस्कस किया जा सकता है. So here you can see that majority of the members are ladies only. See here, here, here. Everyone is basically a female. Only few persons are male. No, not this one, this one. Yes. So what they all are doing here, what is this?
सो दिस इज नथिंग, दिस इज अ मीटिंग. आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी मीटिंग होती है, बड़ा कैजुअली ये लोग बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं. रूरल एरियाज में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग होती है वो जनरली इसी तरह की होती है. ओके और ये क्वेश्चंस, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी टाइम्स पूछा जाता है कि व्हाट डज दिस पिक्चर इंडिकेट. सो द आंसर इज दैट इट इज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग एंड दिस पिक्चर हैज बी टेकन फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात. वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.